नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपना विषय इंग्लिश, इस विषय में ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक हो गए, लेकिन हम कुछ पाठ्य पुस्तक का जो मैटर है वो अपन लेकर के चलते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में अपने 10वीं के बोर्ड के अनुसार 4 पॉइंट डिग्री और वार्षिक परीक्षा में पॉइंट से संबंधित लगभग 6-7 नंबर का मीटर आता है, जिसमें 4 नंबर एक्सप्लेनेशन है, प्रश्न आते हैं। तो आज अपन अपनी जो सबसे पहली पॉइंट है जिसका नाम है रिस्क जेनेट रेंड के द्वारा कंपोज की गई है। अपने को इस कविता के लिए इसका कंपोजर का नाम याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें अपने को पोइम का नेम और जो पॉइंट है उसके नेम को डिस्क्राइब करना पड़ता है, वही उसका पहला बिंदु होता है। तो अपने को सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली बात है, पोइम का नाम रिस्क और पॉइंट का नाम जेनेट रेंड, यानी ये कविता ये पोइम जेनेट रेंड के द्वारा कंपोज की गई है। रिस्क जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं जोखिम, रिस्क शब्द ही व्यक्ति को मोटिवेट करने वाला है। प्रायर अपने सुना है, अरे वो रिस्क ही नहीं लेता कैसे सक्सेस होगा। तो मोटिवेट करने के लिए कवियों ने हमेशा ही अपनी कलम से कुछ न कुछ लिखा है। वैसे ही इस जेनेट रेंड ने अपने को जीवन में मोटिवेट करने के लिए ये कविता लिखी है रिस्क, यानी रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क जीवन में अवश्य ही लेनी चाहिए, बट इन अ राइट वे, लेकिन सही रास्ते पर। जब भी मैं ये क्लास में कराता हूं तब भी बताता हूं और आपको अभी भी बता रहा हूं, हमें रिस्क लेनी चाहिए लेकिन एक सही दिशा में, एक राइट वे में। कोई कहता है रिस्क लो, तो रिस्क दीवार पे बैठ जाओ क्या छेद हो जाएगा क्या, ऐसे रिस्क नहीं लेने। ट्रेन के आगे आने के रिस्क ऐसे रिस्क अपने को नहीं लेने, अपने को रिस्क वो लेनी है, अपने को जोखिम वो उठाना है जो अपने लाइफ में चेंजेस कर सके, अपना लाइफ खत्म कर सके, ऐसा नहीं। तो इसमें जब अपन रिस्क करता की बात करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन अपने दिमाग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है, बार बार मैंने आपको बताया है, अपन हिंदी मीडियम है, अपन डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं सोचते हैं, अपने को हिंदी में सोच करके उसको ट्रांसलेशन करना होता है। इसलिए अपने को इस पूरी पोइम का ट्रांसलेशन आना जरूरी है। तो चलिए इस पोइम को ट्रांसलेट करते हैं। तो पोइम यहां से शुरू होती है, टू लार्ज स्टोरेज का आपकी फूड, जो कठिन शब्द है वो भी आप जब भी आपने वीडियो देखे हैं अपनी किताब लेकर के उसमें आप लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, मैं साथ में बताता रहता हूं। तो लाफ हंसना, रिस्क जोखिम, अपील प्रकट होना और फूल यानी मूड। दोबारा से सुनेंगे, लाभ हंसना, रिस्क जोखिम, अपियरिंग प्रकट होना, दिखना और फूल यानी मूड। जो इसकी पहली पंक्ति है वही अपने को रिस्क के बारे में बता देती है। अपन ने देखा है कि प्राय जो बिना ही मतलब के हंसते रहते हैं अपन उनको मूर्ख कहते हैं। तो यहां पे अपने कवि ने यह बताया कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी हंसना भी मूर्ख प्रकट कर सकता है। कोई घटना घटी हुई है, दुर्घटना हुई भी, अगर अपन वहां पे हंस रहे हैं तो अपने को समझदार समझेंगे कि नहीं, मूर्ख समझेंगे। इसलिए यहां पर कवि पहली पंक्ति में कहता है तो लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी बिना वजह हंसना भी हमें मूर्ख प्रकट कर देता है। और दूसरी पंक्ति है टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग द सेंटीमेंटल, कठिन शब्द देख लेंगे, वीप माने विलाप करना या रोना,
रिस्क जोखिम अभिन्न आलिया ऊपर प्रकट करना सेंटीमेंटल मतलब भावुक दूसरी पंक्ति कवि की कहती है कि टू ग्रीव इज टू रिस्क अपीयरिंग द सेंटीमेंटल यानी बेवजह रोने लग जाना या परिस्थिति के अनुकूल कार्य नहीं करना कहीं पे तो डेथ हुई है और अपन वहां पे हंसने लग गए तो अपन दूर हो जाएंगे ना इसीलिए कवि कहता है तो ग्रीव इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटीमेंटल कहीं बेवजह रोना विलाप करना हमें भावुकता की ओर तीसरी पंक्ति टू रीच आउट का मतलब होता है मदद के लिए हाथ बढ़ाना मदद के लिए हाथ बढ़ाना और इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना इन्वॉल्वमेंट शामिल होना तो तीसरी पंक्ति में कवि कहता है टू रीच आउट टू अनदर यानी हम जब किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं यानी हम कभी भी किसी भी अनदर पर्सन की जब हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो जोखिम है वो ये है कि हम उसमें किसी न किसी प्रकार से शामिल हैं हम किसी न किसी प्रकार से उसमें शामिल हैं चौथी पंक्ति कहती है टू एक्सपोज दिखावा करना दिखा देना प्रकट कर देना फीलिंग्स भावना एक्सपोजिंग प्रकट करते हुए योर ट्रू सेल्फ अपनी सच्चाई चौथी पंक्ति में अपना कवि कहता है कि अपनी जो मन की भावनाएं हैं वह जब हम लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं तो उसमें जो जोखिम है जो रिस्क है वो ये है कि हम हमारी जो सच्चाई हमारे मन में जो सच्ची बातें हैं वह लोगों के सामने रख देते हैं ये जोखिम है पढ़ने को तो जोखिम वाली बात नहीं है लेकिन बाद में वो लोग उस सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अपनी भावनाओं को जब लोगों के सामने अपन रखते हैं तो हम हमारी जो सच्चाई है जो दिल की सच्ची बातें हैं वह लोगों के सामने प्रकट कर रहे होते हैं पांचवी पंक्ति होती है टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड आइडिया अपने विचार ड्रीम्स अपने सपने क्राउड यानी भीड़ या जन समूह है रिस्क बीइंग कॉल्ड नेक मेरे यानी ना समझ बहुत ही अच्छी बात होता है मैं कह सकते हैं अपन कि जब हम हमारे सपने और हमारे विचार एक भीड़ के समान एक समूह के सामने जब हमारे सपने और विचार करते हैं तो उसमें जो जोखिम वो ये रहता है कि लोग अपने को ना समझ समझते हैं हो सकता है अपने को सपने बड़े बड़े हो और लोगों को ऐसा लग रहा हो जैसे ये कर ही देख रहे होंगे तो अपने विचार और अपने सपने जब हम लोगों के सामने रखते हैं भीड़ के सामने रखते हैं तो उसमें अपने आप को ना समझ प्रकट करने का लोगों के द्वारा ना समझ बुलाए जाने का जोखिम है तो ये पांच पंक्तियां अपने को जोखिम किस किस में है आगे एक और जो वास्तविकता है तुल्य स्टोरेज का नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न यानी अपन किसी को प्रेम करते हैं प्रेम के बहुत रूप है किसी भी प्रकार से अपन किसी को प्रेम करते हैं तो उसमें जो जोखिम है वो ये है कि बदले में वह हमें प्रेम देगा या नहीं ये भी जोखिम है अपन तो मान लो किसी से एकदम घनिष्ठ अपन जुड़े हुए हैं उसे हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं उसे प्रेम करते हैं बदले में वह अपने को प्रेम करेगा या नहीं ये भी एक जोखिम है फिर आगे सबसे बड़ी बात इस कविता की और इतिहास की टू लिव इज टू रिस्क डाइंग जीने में भी मरने का रिस्क है जीने में भी मरने का रिस्क है आगे बताया कवि ने टू वॉक यानी आशा डिस्पेयर यानी निराश डिस्पेयर यानी निराश आशा में निराशा का जोखिम है अपन आशा लगाए रखते हैं
और हो सकता है अपन उसमें विफल हो जाए तो उसमें भी मेरा स्वागत जोखिम है। फिर आगे आता है विद्यार्थियों के स्तर की बात, टू ट्राई स्टूडेंट्स टू फेल किया कि अपन जब भी प्रयास करते हैं किसी भी चीज पर ट्राई करते हैं तो उसमें जो जोखिम रहता है वो फेलियर का है, यानी असफलता का है, यानी जब अपन प्रयास करते हैं तो उसमें जो जोखिम भरा रहता है वो असफलता का है, यानी जोखिम भरा प्रयास अपन करते रहते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यहाँ पे कभी अपने को सजेस्ट करता है, इतनी देर तो ये बता रहा था रिस्क किस किस में है, अब अपने को पॉइंट सजेस्ट ये करता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन इतनी सारी निराशा जोखिम होने के बाद भी ये कह रहा है कि हमें जोखिम अवश्य ही उठाना चाहिए। यानी कभी ये नहीं कह रहा कि आपको यदि मान लो किसी को प्रेम कर रहे हो तो उनके प्रेम नहीं मिलेगा तो आप छोड़ दोगे प्रेम करना, नहीं, आप प्रयास कर रहे हो तो अच्छा पता मिल गया तो आप प्रयास करना छोड़ दोगे, नहीं, इसी के अनुसार कवि कहता है कि आपको जो रिस्क है जोखिम है वो अवश्य ही उठाना चाहिए। क्यों क्यों उठाना चाहिए, आगे बताता है, द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, हजार्ड यानी नुकसान खतरा, नुकसान या खतरा, द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम ही वही है कि आप कोई रिस्क नहीं उठाते तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आगे बताया है, अब इतनी बातें पढ़ करके यदि मान लो कोई रिस्क लेना छोड़ दे तो आगे क्या होगा, द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है वह कुछ भी नहीं होता है, उसके पास कोई भी चीज नहीं रह सकती है, इज नथिंग उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी नहीं है, और बिकम नथिंग और भविष्य में कुछ भी नहीं बन सकता, यानी जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है वह कुछ नहीं करता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वर्तमान स्थिति खराब रहती है और भविष्य में भी वह कुछ नहीं बन पाता है। अब आगे लिखा, जब रिस्क को मान लो डर गए और अपने रिस्क नहीं उठाए तो भी जीवन कैसा होता, दे वी अवॉइड सफरिंग, सफरिंग यानी पीड़ा, कष्ट और सोरो यानी दुख, कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता है पर कुछ समय के लिए अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज करना, बचना, वह कुछ समय के लिए पीड़ाओं से दुख से तो बच सकता है लेकिन लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे कुछ सीख नहीं सकते जीवन में, दे कैन नॉट फील, वे कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट चेंज, उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ सकता, दे कैन नॉट ग्रो, उनमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती, दे कैन नॉट लव, वे किसी से प्रेम नहीं कर सकते, और दे कैन नॉट लिव, और वे जिंदा भी नहीं रह सकते। इन प्रकार के व्यक्तियों के बारे में कवि ने अंतिम पंक्तियों में सेकंड लाइन में बताया है कि चेंड दे आर सर्टिफिकेट दे आर स्लेव्स, चेंड दे आर सर्टिफिकेट्स दे आर स्लेव्स, जिन्होंने अपने आप को जंजीरों में बांध रखा है, यानी कि जोखिम नहीं लेने की जंजीरों में बांध रखा है, वे वास्तव में स्लेव है, गुलाम है, दास है। फिर आगे बताया, दे हैव फोरफाइटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आजादी को अपनी स्वतंत्रता को फोरफाइटेड कर दिया, जब्त कर लिया है, यानी वे स्वतंत्र भी नहीं रह सकते। तो ये पॉइंट एक जेरिट रेंट के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम रिस्क जोखिम था, इसका ट्रांसलेशन अभी आप लोगों ने करा है, अगले वीडियो में इसका जो तो 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है जिसे अपन एक्सप्लेनेशन कहते हैं, राइट टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड टू लव टू वीप टू रीच टू एक्सपोज टू प्लेस आइडिया, यहां तक अपन है इसको एक स्थिरता भी मान सकते हैं, आगे यहां तक इसको एक स्थिरता भी मान सकते हैं, और यहां तक इसको एक स्थिरता भी मान सकते हैं। धन्यवाद, आप इसका घर पर एक बार पुनः दोहरान करेंगे।